सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरंपरां शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। ओम भद्रं कर्णे विश्रुणयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनोभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो वरिष्ठदेवैः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अजम निद्रमस्वप्नम् अनामकमरूपकम् सकृद्विभातं सर्वज्ञम् नोपचारः कथञ्चन जन्मनिमित्तभावात् स बाह्याभ्यन्तरम् अजम्। अविद्यानिमित्तं हि जन्म तद्दु सर्पवत् इति अवोचामा। सा च अविद्या आत्मसत्यानुबोधेन निरुद्धा यतः अजम् अतः एव अनिद्रम्। अविद्यालक्षणा अनादिर्माया निद्रा। स्वापात् प्रबुद्धः अत्वयस्वरूपेण आत्मना अतः अस्वप्नम्। अप्रबोधकृते हि अस्य नामरूपे। प्रबोधाच्च ते रज्जुसर्पवत् विनष्टे इति न नाम्ना अभिधीयते ब्रह्म रूप्यते वा न केनचित् प्रकारेण इति अनात्मक अनामकरूपकं च तत् यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतेः। दिस् हियर् वि आवाज़् ज़्यादा है क्या कम है? कम करो बास या ट्रबल देखो। ओके दिस इज ओवर अप टू हियर वी सा नो किंच मोर ओवर अदर नेक्स्ट लाइन इज व्हाट सकृद् विभातम सर्वज्ञ ब्रह्म सकृद् विभातम। सो ब्रह्म इज अजम अनिद्रम अस्वप्नम अनामक अनाम रूपकम अनामकम रूपकम देन सकृद् विभातम सर्वज्ञ नौपचार कथंचन। थ्री मोर वर्ड्स आर देयर। सकृद् विभातम मीन्स व्हाट किंच सकृद् विभातम। सकृद् विभातम मीन्स व्हाट सदैव भातम मीनिंग सदा भारूपम मीनिंग व्हाट इट इज ऑलवेज इल्यूमिनेट एवर इल्यूमिनेट। सकृत विभातम इट इज ऑफ कॉन्स्टेंट लाइट एंड एफलजेंस। सकृत विभातम सदैव विभातम सदा भारूपम ऑलवेज ऑफ द नेचर ऑफ एफलजेंस। सदा भारूपम अभी ध्यान से सुनना सदा भारूपम। सो अभी नाउ सी सकृत विभातम मीन्स व्हाट इट इज सेड हियर सदैव भातम और सदैव विभातम इट इज ऑलवेज शाइनिंग द ब्रह्म इज सकृत विभातम। नाउ मीन्स व्हाट सकृत मीन्स ऑल्सो मीनिंग वन मीनिंग सकृत मीन्स ऑल्सो इट इज सकृत मीन वन बट एक्चुअली मीन्स एक बार। Once that knowledge of Brahman is takes place, that's the meaning. For anyone, once the Brahman is revealed, एक बार किसी को भी ज्ञात हो गया हो तो फिर वह ज्ञान उसके लिए लुप्त नहीं होता। इज नॉट दैट बार बार ज्ञान होना की जरूरी नहीं है। सकृत विभातम एक बार हुआ तो गया हो गया
That is the meaning. So, once it is known, then it is illumined once for all, becomes Prakasha Swarupa. It will never become Lupta from me. I cannot. So, therefore, it doesn't again lead to another state of हाँ मुझे रियलाइज हुआ था मैंने खोया मैं खोया था रियलाइजेशन हुआ था ऐसा नहीं होता प्रयोग. वंस इट इज अवेकेंड वंस फॉर ऑल इट इज नोन सकृत विभातम भारूपम दैट्स अ ब्यूटी. वन मोर थिंग भारूपम अग्रहण अन्यथा अग्रहण आविर्भाव तिरोभाव वर्जितत्वात् अग्रहणम अन्यथा ग्रहणम दैट इज आविर्भाव एंड तिरोभाव. यहां पे मीन्स व्हाट सी इन दैट ब्रह्म वंस इट इज अवेकेंड वंस वी नो द ट्रूथ दैट ब्रह्म विल नेवर बिकम अग्रहण. अग्रहण मीन्स नॉन परसेप्शन. एक बार ज्ञान हुआ देन इट नेवर दैट ज्ञान कभी अग्रहण नहीं होता. अग्रहण मीन्स यू नो लूजिंग इट नॉन परसेप्शन. तो एक बार हुआ तो ज्ञान कभी फिर लुप्त नहीं होता अग्रहण नहीं होता. पहली बात यह है सी तो एक बार हुआ अग्रहण नहीं मीनिंग ये ऐसा नहीं है ब्रह्म ऐसा नहीं है जो मुझे मिला था वो अभी आज ऐसा नहीं मिल रहा है नहीं है ऐसा कभी नहीं होगा अग्रहण. नाउ एक्चुअली महात्मा लोग कहते हैं जब मनुष्य बंधन काल में जो एट द टाइम ऑफ बॉन्डेज माने एज वी आर ऑल इन व्हेन वी आर इन बॉन्डेज देन दैट टाइम द ब्रह्म इज अग्रहणम और नॉट नॉन परसेप्शन. महात्मा लोग कहते हैं बंधन काल में भी ये अग्रहण नहीं है क्योंकि इस केनोपनिषद में आते हैं ना बिकॉज आई नो दैट आई एम इग्नोरेंट मेरे अभी मुझे ज्ञान नहीं है ब्रह्म ज्ञान नहीं है अभी मैं अज्ञान में हूं मुझे ज्ञान सही ज्ञान का अनुभव नहीं हो रहा है. ऐसे तो जान लिया तो अग्रहण स्थिति एक्चुअली स्पीकिंग कि मैं उस वस्तु का अभी ज्ञान नहीं है वो तो मालूम पड़ रहा है. तो वास्तव में अग्रहण बंधन काल में भी नहीं होता है क्योंकि मैं अज्ञानी हूं ये मैं अज्ञानी हूं इस बात का ग्रहण हो रहा है मैं अज्ञानी हूं. सो अग्रहणम नाउ अब नाउ नेक्स्ट देखिए अग्रहणम देन ग्रहणम वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. सो अन्यथा ग्रहणम अग्रहणम अन्यथा ग्रहणम अन्यथा ग्रहणम मीन्स व्हाट उल्टा समझना जो है जिस वस्तु जैसा है उसको उल्टा समझना अन्यथा ग्रहणम होता है. परसीविंग इट समथिंग as something else, perceiving a particular object as something else, anyatha grahanam. Ab dekhiye, when the agnyan was there, when the ignorance was there, then there was anyatha grahanam. Is it not? What is agnyanam? Actually, agnyanam means what? Not absence of knowledge. हमने ये बात कही थी पहले इसे हमने देखा वी हैव सीन दिस आचार्य भाष्य में देखा है कि अज्ञान मीन्स इट इज नॉट एब्सेंस ऑफ नॉलेज. ठीक
यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द रोप, बट वहां पे सर्प का ज्ञान हो रहा है कि नहीं? सो कुछ ना कुछ हो रहा है ज्ञान, बस फिर तो फिर उसको अज्ञान कह दिया। अज्ञान माने ते अन्यता ग्रहणम, वहां पे अन्यता ग्रहण का ज्ञान हो रहा है। इनकम्प्लीट नॉलेज इज देयर, वहां पे कुछ है ये पता लग रहा है, ध्यान से सुनिए, वहां पे कुछ है ये पता लग रहा है, परंतु वो रज्जु है वो नहीं पता लग रहा है, उसी को कहते हैं अज्ञान। अब देखिए वहां पे अधिष्ठान नहीं है, उसके ऊपर आरोपित तो कोई वस्तु भी नहीं है, तो फिर अज्ञान कभी नहीं होगा। सिर्फ अधिष्ठान ही है तो अज्ञान नहीं होगा। तो अज्ञान का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे हैं, मगर जैसा हम ग्रहण करते हैं वो चीज वैसा नहीं है। अभी हम इस सृष्टि को नाम रूपात्मकम इदम जगत नाम रूप में देख रहे हैं, हमको जो जैसा दिखाई पड़ता है, ये सृष्टि जैसा दिखाई दे रहा है, वैसा वास्तव में नहीं है, इसी को हम कहते हैं अज्ञान। सो वी सी वेरी क्लियरली से द वेरी परसेप्शन ऑफ स्नेक इंडिकेट्स, बिकॉज इट इज अ मोह, देयर मस्ट बी द सबस्ट्रेटम बिहाइंड दिस द रोप, दिस शुड बी देयर। देयरफॉर सी अग्रहणम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर द टाइम ऑफ अज्ञान ग्रहण अन्यथा ग्रहण होता था जो अज्ञान में था, अब नो अज्ञान इज रिमूव्ड। सो व्हेन अज्ञान इज रिमूव्ड भारूपम ओनली इज व्हाट यू कॉल एक्सपीरियंस्ड, अब देखिए नो नेक्स्ट वन। मैं मुझे ज्ञान हुआ मुझे ज्ञान नहीं हुआ, अब देखिए ये बात कहाँ से निकलता है। देखिए ज्ञान हुआ एक ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि ना दोनों को हटा देते हैं बाद में इसी श्लोक में। सी जब अहंकार से तादात्म्य हो गया हो, when identification with ego takes place, right, at the time of that identification with the ego means what? The knowledge of mine, I, is taking place. That means the jiva is in man, jiva is formed there, manifested. When the identification with the I, it doesn't take place, that time jiva is in abhibhut sthiti, meaning is covered. Why? Because he is in deep sleep state or something else, so he is not aware, okay, of his existence, okay. Now when ahankar is born, then to that ahankar, if something is known, then he says, I knew or I know about it, I got the knowledge. To that awakened ego means not the realization, the ego which is now available, not in the deep sleep state, etc., in manifested. When he says, I don't know something, I don't have the knowledge of this one, then he says, I don't know. सो देखो ये ज्ञान होना नहीं होना, दिस टू स्टेट्स आर एक्चुअली अपोजिट टू ईच अदर, बट दे बिलोंग टू ईगो। बट विद रिगार्ड्स टू ब्रह्मज्ञानम,
इट इज कॉल्ड सकृत विभातम. मीन्स वॉट? इट ट्रांसेंड्स दीज टू स्टेट्स, पॉसिबल स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस, पॉसिबल स्टेट्स सच एज वन स्टेट इज आई गॉट द नॉलेज, आई नो, अदर स्टेट इज आई डोंट नो. These two states are crossed. Once I awaken to state of reality, Brahma Jnana. So I know also gets cancelled. I don't know also gets cancelled. Because I know and I don't know are only with reference to the rise and disappearance of ego. Temporary disappearance of ego. When ego is raised, then only these two statements are possible. That is, I know and I don't know. When ego itself is lupta ho gaya ho, nidra avastha mein, neither I know state exists, nor I don't know state exists. Only after coming back to waking plane, I would refer that darkness state of deep sleep and say, I don't know anything at that time. Sukena maya nidra anubhuyate. But I don't know anything. That's it. Now see, when you awaken, then what happens when ego is not there? That time he cannot say, I know Brahman. Because Brahman cannot be known. Then, so mai Brahma ko janta hu, ye galat hai. Mai swaram swayam jnana swarup hu, Brahma swarup hu, ye anubhav hoga. That's what Acharya says. Ab dekhe, I know and I don't know, these two conditions are always belonging to ego. Once you realize the truth, once you awaken to that state, then what happens is, this I know and I don't know doesn't exist. Because I know Brahman also is wrong. So I am that Jnana Swarupa. This experience will take place. This is what is being told here. See, therefore, here, with reference to identification with ego only, somebody says, maine jana, maine nahi jana, these states will come. So therefore, actually, when you say that anyatha grahanam, so when I am doer, when I am doer, thought is there, mai karta hu, as a thought hai, it rises, then anyatha grahanam takes place. What is anyatha grahanam? Perception of duality. Anyatha grahana means perception of something else. When ahamkarta thought rises, anyatha grahanam takes place. When I go deep sleep, agrahanam. But reality is neither agrahanam nor anyatha grahanam. That's what Acharya says. So because it is sadaiva vibhatam, sada vibhatam bharupam, so anya agrahanam अन्यथाग्रहणम, दट इज आविर्भाव तिरोभाव वर्जितम. सो न देर आविर्भाव न तिरोभाव. दिस ज्ञान का आविर्भाव होना फिर तिरोभाव होना ऐसा नहीं होता है. प्रपंच ज्ञानम जो है, लौकिक ज्ञानम, वॉट एवर अन्यथा अदर ज्ञानम इज देर, इट हैज तिरोभाव एंड आविर्भाव. तिरोभाव मीन्स डिसोल्यूशन, मर्जिंग, अनमैनिफेस्टेड स्टेट में जाना फिर मैनिफेस्ट होना, ये हो सकता है. ब्रह्म ज्ञानम इज नॉट लाइक दैट. सो ग्रहण अग्रहणे ही रात्रियहनि तमस्य अविद्या लक्षणम सदा भ्रपातत्वे कारणम. सो दिस एक्चुअली ग्रहण एंड अग्रहण, दिस टू दो कंडीशंस आर देयर. दे आर लाइक डे एंड द नाइट. ग्रहण इज अ डे, अग्रहण इज अ नाइट. Now this grahana and agrahanam, which are taking place, actually these are the two states, right? But in the sun, neither there is ratri nor day. Think. Therefore, ratriyani tamasya avidya lakshanam. But Brahma prakasha, that if we are not realizing that Brahma consciousness, then the question of right ratri and day, when I know that sun is there, always there, then
When I experience that sun, then there is neither night nor day. So, tad abhavat nitya chaitanya bhavrupatvat cha yuktam sakrut vibhatam iti. So, neither there is night and day, similarly, therefore it is called sakrut vibhatam. This kind of agrahana, grahana, tirobhava, avirbhava, these conditions, manifestation, unmanifestation of knowledge, kabhi rehna, kabhi nahi rehna, kabhi jana, janna, kabhi na janana, jankar phir bhulna, phir yaad karna, to jnana ka lupt hona, phir prakat hona, phir lupt hona, phir prakat hona, jaise ahar ratri aur de ahani chalte rehte hain, aisa nahi hai. अतएव सर्वम च तत् ज्ञस्वरूपम च इति सर्वज्ञम. देयरफॉर इट इज सर्वम, ऑल एवरीथिंग इज ऑल सर्वम च ज्ञस्वरूपम. एवरीथिंग ही नोस, फॉर हिम एवरीथिंग इज ज्ञस्वरूप, प्योर ऑफ नॉलेज ऑफ ओनली तत् ज्ञस्वरूप. एवरीथिंग इज नॉलेज एंड अवेयरनेस. सो सर्वज्ञम न ये ब्रह्मणि एवं विदः उपचारम, दट इज उपचरणम उपचारः कर्तव्यः. ऐसे जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण, द ब्राह्मण हु इज लाइक दिस, ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, हु इज अवर शाइनिंग, इट इज नाइदर अग्रहणम अन्यदाग्रहणम से परे है. तो उन्हें दीज टू स्टेट्स भी है. हमारे जीवन में क्या दो स्थिति है, न तो अग्रहण है न अन्यदाग्रहण है. देखिए, निद्रा में चले गए, गहरे निद्रे में, निद्रा में, तो वहां पे अग्रहण हो गया, उठ गया तो अन्यथा ग्रहण हो रहा है. और इसी में हमारी केस चल रही है. अंडरस्टैंड टेक्निकल टर्म्स, अन्यथा ग्रहण है क्या ब्रह्म वस्तु. अन्यथा ग्रहण माने नाम रूप में देखना. सो जगत इज सीन बाय अस, we are all seeing jagat, it's anyadha rupam, anyadha grahana. Brahma vastu ko aur kisi ke kisi roop mein grahan ho raha hai, brahma ka grahan ho raha hai, brahman ka. So gaya to agrahanam. Aap dekhiye, jagrat avastha mein bhi hai, hamara sthiti jo hi hai, na to hum ना जानते हैं कुछ वस्तु का, जिस वस्तु के बारे में हम बोलते हैं कि जानते हैं, वास्तव में वो वैसा वही नहीं है, तो अन्यथा ग्रहण नहीं हो रहा है. तो वास्तव का ग्रहण कब हो रहा है, और साइंस के मुताबिक भी, साइंस के अनुसार भी, विज्ञान शास्त्र के अनुसार भी, कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर अभी तक जन्म लिया जो कोई भी चीज़ को जो जैसा है वो वैसा देखने वाला अभी जन्म नहीं लिया, क्योंकि देयर इज अ कलर ब्लाइंडनेस, शार्पनेस डिफर्स, साइज एंड ऑब्जेक्टिविटी डिफर्स. सो मेनी प्रॉब्लम्स. सो अब जागृत अवस्था में भी किस वस्तु का ज्ञान अग्रहण होगा, माने मुझे अज्ञानी में है, मैं इसके बारे में मैं नहीं जानता, और जिस वस्तु के बारे में हम कहते हैं कि जानते हैं वो भी असत है, गलत है, झूठ है, क्योंकि जो वस्तु जैसा है उसको वैसा नहीं जानते हैं. अब क्या हुआ, तो ब्रह्म ये सकृत विभातम, एक बार ब्रह्म का अनुभव हो गया हो फिर कभी लुप्त नहीं होता. सर्वज्ञम that becomes sarvajna, that is a beauty. So agrahan anyata agrahan avirbhava tirobhava, it is devoid of non perception, na to agrahan hai grahan hai wahan pe, and grahan agrahan hai ratri yani, that is also over. So therefore, since this realization of brahman, this is absent in realization of brahman, grahan agrahan etc, and brahman is swayam bharupam, it is eternal, therefore it should be constantly effulgent, and hence it is sarvajnam, knower of all by nature. Now with regard to this brahman only, aise jo brahman hai
देर कैन बी न उपचार उपचरणम उपचार कर्तव्य नो सेरेमनी कैन बी देर सच ए ब्रह्मन को पास आरती उतारना ध्यान आदि प्रक्रिया करना इज नॉट पॉसिबल नॉट रिक्वायर्ड नो उपचार दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड यथा अन्येषां आत्मस्वरूप व्यतिरेकेण समाधानादि उपचारः जो आत्मस्वरूप नहीं है जो अदर थिंग विद द डिफरेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ सेल्फ वहां पे धारणा हो सकती है ये हो सकती है बट रिगार्डिंग टू ब्रह्म नो उपचार वॉट उपचार यू कैन डू फॉर नित्य नित्यम इज अवेलेबल भारूपम इट इज देखिए जो चीज हमेशा के लिए नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए कोई उपासना साधना उपचार कर सकते हैं आरती उतारो ध्यान करो धारणा करो तपस्या करो देखिए सो कॉन्सेंट्रेशन माने दैट इज धारणा इज डिफरेंट फ्रॉम द सेल्फ सो मैं धारणा कर रहा हूं एक्चुअली आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं फिर भी बोल देता हूं देखिए जो नित्य वस्तु है उस जो सबसे परे है नाम रूप से भी परे है और सभी और ये साधना साध्य त्रिपुट से भी परे है जो वस्तु वैसे जैसे है वैसे ही है हमेशा के लिए है और जिस वस्तु का इस प्रपंच से कोई संबंध नहीं है माने बस आधार रूप में है मगर कोई संबंध नहीं है निर्लिप्त है अच्छा और जो वस्तु सबसे परे है ठीक है ऐसे वस्तु को वस्तु की प्राप्ति के लिए हाँ जो साधना से भी परे है फिर साधना क्या फायदा हम जो कुछ भी करते हैं देखिए देखिए एक साधना हम करते हैं जैसे कि जो कोई भी साधना साधना किस लिए करते हैं कोई एक साध्य वस्तु है माने जो वो साध्य वस्तु इस साधना के द्वारा प्राप्त हो सकता है ऐसा कोई नियम हो तभी उस साध्य वस्तु के लिए ये साधना बनती है कि नहीं अच्छा अब ऐसा जो साध्य वस्तु है जिसकी प्राप्ति के लिए कोई साधना ही नहीं है कुछ सब साधनाओं से परे हैं उस वस्तु प्राप्ति के लिए साधना क्या करें यहां पे साध्य साधना के बीच में संबंध हो एक वस्तु है उस वस्तु की प्राप्ति के लिए यही साधना साधना ये न तो ये रची गई है या नहीं तो ढूंढ के ऋषि मुनि लोग ने देखे होंगे कि इस वस्तु के प्राप्ति के लिए ये साधना मार्ग है करके देख चुके होंगे अनुभव किए होंगे फॉर एग्जाम्पल सो तब ये मार्ग का निदर्शन प्रदर्शन करके दिया गया उस वस्तु के लिए फॉर एग्जाम्पल तो ऋषि मुनि माने आध्यात्मिक ऋषि नहीं जो भी साइंटिस्ट है जो भी सभी लोग इस वस्तु प्राप्ति के लिए ये मार्ग है ये तरीके हैं इस तरीके से इस तरीके को अपनाने से उस वस्तु का उपलब्धि या प्राप्ति होती है बस बढ़िया वेरी गुड अब देखिए माने यहाँ पे साधना जो साधक जो है साधक एक होना चाहिए जिसके मन में साध्य वस्तु के प्रति प्रीति होनी चाहिए ध्यान से सुनना और इन दोनों को संबंध में लाने वाले जो साधना होनी चाहिए जो साधक होना है साध्य वस्तु भी होनी चाहिए वो साध्य वस्तु साधक से अलग होना चाहिए तभी इसकी प्राप्ति के लिए इसके मन में इच्छा भी होनी चाहिए इच्छा होने के बाद एक ब्रिज बनाना चाहिए साध्य वस्तु और साधक के बीच में वो ब्रिज बनेगा कोई साधना के रूप में तो ये सारे के सारे व्यवस्था बन गया सारा व्यवस्था बन गया कोई साधक है कोई साध्य वस्तु है कोई साधना है इसकी प्राप्ति के लिए साधना है अच्छा अब देखिए इस आदमी को लिए इस आदमी को वह वस्तु साध्य वस्तु जिसके हम कहते हैं
वो साध्य किस लिए बना? इसलिए बना कि वो साधक से अलग है, ठीक है। अब ब्रह्म के बारे में सोचते हैं, ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापक है और साधक से अलग नहीं है, किंचिदपि अलग नहीं है, और उसकी प्राप्ति के लिए कोई साधना भी नहीं हो सकता क्योंकि वो अद्वितीय वस्तु है, सबसे परे है। कोई भी साधना आपको ब्रह्म तक लेके नहीं जा सकती। तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए साधना क्या बची फिर? पहले क्या है, साधक से अलग नहीं है, वो समय में दूर नहीं है, समय से भी अंतर नहीं है, देश में भी अंतर नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापक है। और जिसको हम साधना करके मानते हैं वो साधना ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि ब्रह्म तो साधना से परे है, क्योंकि वो एक साधन से ब्रह्म को जोड़ना, एक लिंक करके बंधन में ब्रह्म को डालना, संबंध बनाकर रखना कि ये साधना है वो ब्रह्म साध्य है, इस साधना से पकड़ो मार्ग पर चलो तो ब्रह्म पहुंच जाएंगे, तो वैसे नहीं बनेगा बात। क्योंकि जिसका किसी वस्तु के साथ संबंध नहीं है, किसी विचार के साथ संबंध नहीं है जिसका, ब्रह्म का, तो उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आप साधना क्या करेंगे? इसीलिए वेदांत में कहते हैं कि उस अनुभव में जो बाधा पड़ रही है, उस बाधा जो है वो बाधा माने संकल्प विकल्प मल जो है, मल को हटाने का प्रयास करो, अपने आप प्रकाशित हो जाता है। ब्रह्म की डायरेक्ट प्राप्ति के लिए कोई साधना नहीं है, नहीं है, नहीं हो सकता, बस वो स्वयं आप ही है, आपका ही स्वरूप है। अब क्या साधना कर सकते हैं? बस सिर्फ जो बाधा है, बाधक बने हैं, बाधक को फिर सबको हटा दो, जो भी ऑब्स्टेकल स्वरूप में है, बाधा है, सबको हटा देना। तो बाधाएं को निकालने में ही लगे रहो। भयम ब्रह्म जो है स्वयं प्रकाश, देखिए अदि। अब एक साधना एक है, क्या है साधना? हमको यहां बताया गया कि यहां पे कि अग्रहणम अन्यथा ग्रहणम दोनों गलत है, दोनों ठीक नहीं है। अग्रहण में भी ब्रह्म का अनुभव नहीं होगा, अन्यथा ग्रहण किया तो ब्रह्म का अनुभव नहीं होगा, दोनों को त्यागना है। इसलिए कुछ महात्मा लोग कहते हैं कि देखिए जैसे ब्रह्म के ऊपर ये सारे सृष्टि आरोप किया गया है, वैसे ही सृष्टि में आप ब्रह्म भाव को लाकर देखो, फिर आरोप करो, आरोप कहेंगे उसको पहले। नाउ यू सुपर इम्पोज ब्रह्म ऑन द नेम्स एंड फॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, यही करना पड़ेगा। देन वी ट्रांसेंड अग्रहण अन्यथा ग्रहण। उस ब्रह्म के उपचार कैसे हो सकते बताओ? कोई अन्य चीज है? अरे जिसके जिस वस्तु को धारणा का देर धारणा कॉन्सेंट्रेशन का द्वारा प्राप्त कर सकते हो, करो प्राप्त करो, क्योंकि धारणा और उस संबंध और उस वस्तु के बीच में संबंध है। कैसे प्राप्त करना है? प्रैक्टिस करो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, इस वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, बढ़िया है। अब ब्रह्म में कह तो दिया उपनिषद में, यतो वाचो निवर्तन्ते
अप्राप्य मनसा सहा। मैं ब्रह्म के बारे में कुछ शब्द छोड़ा, वो वापस आ गए। ब्रह्म को ढूंढने के लिए मैंने जो रॉकेट भेजा मन से, मन करके मन रूपी रॉकेट, वो भी वापस लौट के आ गए, बोले हम नहीं जा सकते पीछे, वो मेरे मुझसे परे है। अप्राप्य मनसा सहा। तो जिस वस्तु के बारे में तो बोल सकते हैं, ना नाम है, ना रूप है, ना गुण है, ना क्रिया है, ना संबंध है, ना विशेष है, मगर सकृत विभातम, सदैव भातम, विभातम हमेशा के लिए है, ज्ञान स्वरूप है, वो जड़ नहीं है। इस ब्रह्म के लिए उपचार क्या करेंगे हम? इसलिए कहा गया ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधान, सब ब्रह्म ब्रह्म ही है। सी यथा अन्येषाम आत्मस्वरूप व्यतिरेकेण समाधानादि उपचार नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत स्वभावत्वात् ब्रह्मणः कथंचन न कदंचिदपि कर्तव्य संभवः अविद्यानाशः इत्यर्थः। सो ब्रह्मन इज एटर्नली प्योर इंटेलिजेंट एंड इट इज फ्री एंड देयरफॉर देयर कैन नॉट बी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग टू बी डन बाय एनलाइटेंड पर्सन। न कथंचिदपि कर्तव्य न कर्तव्य संभवः। अब क्या कर सकते हैं बाय एनलाइटेंड मैन? डज नथिंग। अब क्या करना क्या? करना क्या? मैं आपको और बिगाड़ दूं? जो सेवा 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 हम करते हैं, ठीक है, किस लिए करते हैं? द्वैत को देख रहे इसलिए सेवा करते हैं, सुख दुख का अनुभव करते इसलिए सेवा करते हैं। जिसके अंतकरण में सुख है ना दुख है ना सुख है ना द्वैत है और मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं, कोई प्रभाव भात नहीं हो रहा है, जो भी बात हो रहा है प्रकाश हो रहा है वो भी बस ये छाया रूपे ना छाया जैसे, और वो भी सच्चाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब देखो मैंने ऐसा बैठ गया दोनों हाथ क्लास्प करके, दोनों हाथ एक हाथ में दूसरे हाथ फिंगर को एक गाँटा बांध कर बैठ गया दोनों हाथ में, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ अपने आप में, मैं कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, और इसकी जो छाया है पड़ी पृथ्वी पे, वो छाया को देखने वाले को लगता है कि दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, दो यहाँ पे दो छाया है, एक हाथ दूसरे हाथ, सो दोनों के बीच में क्या फाइटिंग हो रही है क्या? मैं ऐसे कर रहा हूँ तो हाथ घुमा रहा हूँ, फेर रहा हूँ इधर उधर, ये दाहिना हाथ बहने हाथ के ऊपर फेरता हूँ, फिर पहने हाथ दाहिने हाथ के ऊपर फेर रहा हूँ, फिर आता ऐसे ऐसे ऐसे, तब दो देखते हैं ना उनको तो द्वैत दिखाई देता, तो दो हाथ तो इसके वहाँ पे युद्ध हो रहा है तो द्वैत दिखाई दिया, तो वहाँ पे उसको शांति के लिए पूर्व एक्चुअली जिसके मन में किंचित द्वैत भी है ही नहीं, बस वो जैसे वैसे के बैठ जाते हैं, शरीर हिलता फुलता भी नहीं है, मन में एक आलोचना वृत्ति भी नहीं उठता, एकदम शांत है, ऐसे जो व्यक्ति होता है, जो महात्मा लोग होते हैं, भगवान रमण महर्षि कहते हैं ऐसे लोग पृथ्वी पे रहना ही सारे पृथ्वी के लिए एक बड़ा ब्लेसिंग है। वो तो करे या ना करे कुछ की कोई जरूरी नहीं है। जैसे सूर्य भगवान है, देख अंधेरे में सभी लोग लड़ रहे हैं, किसी को पता रह रहा है कि कौन सा किसकी चीज़ है, ये है वो है, अब एकदम लाइट आ गया। अब देखिए लाइट में कर्तृत्व भाव रहता क्या? लाइट जल रही है वो, एकदम लाइट आ गया तो सब अपने अपने सामान दिख गए सबको, जैसे जो जैसे वैसे दिख गए, फिर सारा का सारा युद्ध खत्म हो गया, सब शांति से बैठ गए। अंधकार में किसी का कुर्सी नहीं दिखता, किसी का बैग नहीं दिखता, किसी का वाटर बॉटल नहीं दिखता, किसी का जो आसन बिछा के रखा है वो भी नहीं दिखता,
सब अंधकार में बैठे हैं और कीच रहे, ये मेरा करके। वास्तव में बहुत सारे कुर्सी पड़ी हैं वहाँ पे, बहुत सारे आसन भी पड़ी हैं, आपको जो चाहिए सब सभी वस्तु सभी के लिए उपलब्ध है, ऐसा समझो। बस सिर्फ लाइट नहीं है, इसलिए बड़े हॉल में एकत्रित हुए सभी लोग लड़ने लगे। ठीक है, इतना लड़ रहा है, इतना लड़ रहा है कि देखो खून भी निकल रहा है। अचानक एक वहां एक कोई आकर लाइट लाइट डाल दिया। जैसे लाइट डाला, अरे मैं बेवकूफ हूं, तो ये मेरा आसन है, सॉरी सॉरी ये आपकी है, बस आप ले लो, अंधकार में ये आपकी मेरा है। जैसे कि ज्ञान के प्रकाश में अंधकार सभी सब हट जाता है, सो ज्ञान के प्रकाश में सभी लोग सभी चीज देख सकते हैं। तो देखिए अपने अपने चीज को पहचान लेते हैं, फिर बस अपना अपना चीज है, सभी को जो आवश्यक है वो भी उपलब्ध है, तो कोई किसी के साथ झगड़ने का अवसर ही नहीं होता, है ना। अब बताओ वो लाइट में जो लाइट डाला, वो लाइट में क्या कर्तृत्व भाव रही? वो लाइट बोलता है क्या, मैं विश्व की शांति के लिए प्रयास कर रहा हूं, लाइट क्या बोलेगा? लाइट कुछ बोलता ही नहीं, मौनम। वैसे ही भगवान रमण महर्षि, जैसे लाइट है वैसे रमण महर्षि, वैसे तपोवन महाराज, वैसे बड़े बड़े महात्मा लोग जो जो ज्यादा कुछ हाई की किया ही नहीं, बस किए होंगे नाटक, अब वो भी लोग गलत समझते करके, वो एक्चुअल लोग भी दृष्टि भी नहीं, बस ऐसे बैठ जाते हैं। उन्हीं का अस्तित्व, उनका बस रहना ही काफी है, क्योंकि वो जलती हुई लाइट के अंदर में सब कुछ दिखाई पड़ता और सब अपना अपना काम कर सकते हैं, है कि नहीं। सो ऐसे महात्मा लोग सेवा करते हैं, कैसे सेवा करते हैं, कर्तृत्व तो भाव में नहीं, बस उनका रहना ही सेवा है। और लोग नहीं जानते, बेवकूफी लोग हैं वो अलग बात है, ये लोग जानना ऐसी इच्छा भी मुमकिन में नहीं है। लाइट के अंदर इच्छा होती है क्या? अब लाइट का क्या घमंड है, लाइट की बिचारी रोज हमको प्रकाश देती है, इसीलिए उपचार भी कुछ भी नहीं है। ज्ञानी लोग, इसीलिए गुरुदेव ने बड़ी अच्छी ढंग से इसका विवेचन किया। गुरुदेव ने कहा कि देखो, अंग्रेजी में बता रहा हूं आपको, दो शब्द, एक इनएक्टिव होता है, दूसरा अनएक्टिव होता है। जो इनएक्टिव है तामसी है, उसको बिठा दो, जो अनएक्टिव है सत्व गुण है मगर कोई काम नहीं करता, भी कोई व्यवहार नहीं चल रहे मन में, कोई प्रचार नहीं हो रहा, बिहेवियर नहीं है, वो भी बैठ गए, और दोनों को बाहर से देखोगे तो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, एक तो अनएक्टिव दूसरा इनएक्टिव, अब इनमें क्या फर्क है? फर्क यही है, देखो यदि कोई आवश्यक पड़े, अनएक्टिव आदमी पहला काम में कूदता है, जो इनएक्टिव है वो कभी कूदेगा नहीं, जो तमोगुणी है। दूसरी बात है, अनएक्टिव पुरुष के चेहरे देखने से ही शांति मिलती है, तमसी को देखने से नींद आती है। बैठे बगल में, दिखने में दोनों एक ही हैं, एक जैसे दिखते हैं, ऐसे सभी महात्मा लोग उस स्तर पर पहुंचे गए तो उन्हीं का अस्तित्व ही बड़ा आशीर्वाद है, बड़ा सेवा है, बड़ी सेवा है। क्योंकि ब्रह्म के लिए उपचार कुछ भी नहीं है,
अब षोडश उपचार करते हैं ना, षोडश उपचार उपचार पूजा करते हैं कि नहीं, षोडश उपचार सहस्रोपचार हो, अनेक प्रकार के उपचार है। ब्रह्म को कुछ उपचार नहीं चाहिए, वो अपने लिए करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी साधना कर, साधना ब्रह्म प्राप्ति के लिए नहीं है, साधना अंतकरण शुद्धि के लिए जरूरी है। जो बाधा के रूप में है उसको हटाने के लिए आप, वो साध्य बन गया, आप साधक हैं। जो जीव अपने आप को जीव मानकर बैठे हैं वो साधक हो गया। साध्य वस्तु क्या है कि ये अंतकरण में जो जितने भी मलिनता है उसको हटाना साध्य वस्तु हो गए। इसके बीच में संबंध क्या बन गया, फिर साधना बन गया। सो वहाँ पर तीनों के तीनों जरूरी है। बट साधना ब्रह्म प्राप्ति के लिए इसे मत कहो, ब्रह्म प्राप्ति अपने आप, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति अपने आप है, क्योंकि वो प्रकाशमय ज्योति स्वरूप है। जैसे बाधा हटा दिया तो ज्योति प्रकट हो गई। तो इसीलिए ब्रह्म स्वरूप न तो अग्रहणम न अन्यथा ग्रहणम न कथंचदपि कर्तव्य संभव अविद्यानाश इत्यर्थः। सो इसीलिए देर कैन बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग टू बी डन बाय एन एनलाइटेंड पर्सन कथंचन इन एनी वे व्हाटसो एवर आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ अविद्यानाश इत्यर्थः। आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस इग्नोरेंस देर रिमेन्स नथिंग टू बी डन। सो अनामकत्वादी उक्तार्थ सिद्धये हेतु आह नो द रीजन इज नाउ एड्यूस्ड ब्रॉट आउट फॉर एस्टैब्लिशिंग दैट नेमलेसनेस एटसेट्रा ब्रह्म स्थिति। रीजन वाई ब्रह्म इज अनामकम अरूपकम, इसका रीजन क्या है, युक्ति क्या है, हेतु क्या है, दैट इज टोल्ड इन द नेक्स्ट वर्स that we can take up 37th shloka onwards next month 19th to 24th. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avasishyate. Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Sadgurunath Maharaj Ki।